अरे हाउ आर यू, एक मिनट तुमसे बाद में बात करती हूँ। निकुल सर, व्हाट इज दिस? हाँ, ये कॉमेडी सर्कस के अजूबे है कि कॉमेडी सर्कस की फिल्म प्रमोशन है? अरे कभी अक्षय कुमार, कभी करीना कपूर, कभी रणबीर कपूर और अब रानी मुखर्जी। चलिए तो बहुत बड़ी स्टार है। मैंने सुना है कि अगली बार ये मलिका शरावत भी आ रही है। मुझे एक बात बताओ, ये कॉमेडी सर्कस हम लोग चला रहे हैं कि ये फिल्म के स्टार चला रहे हैं? हाँ, वही लोग चला रहे, तेरे को कौन जानता है मोटी। एक्चुअली मैं और निकुल बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो ऐसी मस्ती चलती रहती है। बाद में बताऊंगी टकले तेरे को। 5 साल से मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरा खुद का घर, खुद की गाड़ी है, लेकिन गांव से कोई भी मुंह उठा के इधर आ जाता है। ओ गॉड, अभी मम्मी का लेटर आया है कि मेरी कोई गांव से छोटी बहन आ रही है, कोई चाचा जी की लड़की, ना जान ना पहचान, मैंने कभी भी नहीं देखा अर्चना जी। मम्मी ने कहा कि वो अपने पति के साथ आ रही है, नई नई शादी हुई है। मैंने घर बनाया, कोई हनीमून लॉज थोड़ी। दीदी तुम कौन? दी देखो ध्यान से। अरे कौन हो तुम? रुको, आप पहचानो? पागल हो, गवार लड़की, खड़े भी नहीं पहचानी तो बैठे भी कैसे पहचानूंगी। ये लास्ट टाइम जब आपने मुझे देखा तब मैं इतनी सी थी। तुम्हारा नाम क्या है? गुत्थी। देखो गुत्थी, तुम शहर में आई हो, पहले अपना नाम चेंज करो। सोहेल खान को पता चल गया ना तो इधर वैरायटी में सुलझा देगा। दीदी पॉसिबल है? शट अप। मम्मी ने लेटर पे लिखा था कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। हाँ दीदी। लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है? दीदी वो बाहर गाड़ी साफ कर रहे हैं। शकल और कपड़ों से लगता नहीं तुम लोगों के पास खुद की गाड़ी होगी। दीदी हमारे पास गाड़ी है भी नहीं, हम तो टैक्सी से आए हैं। हाँ दीदी, वो तो टैक्सी साफ कर रहे हैं। वो क्या था ना दीदी, कि हमारे पास ना किराए के लिए पैसे नहीं थे, 100 रुपए बनते थे, 50 रुपए की तो मैंने टैक्सी वाले को चुम्मियाँ दे दी। बाकी दीदी मैं बाबे थक गई, तो मैंने टैक्सी वाले से कहा कि मेरे पति से वसूल ले। उसने उसकी शक्ल देखी, कहता जा जा तू तो गाड़ी साफ कर चल। एक्सक्यूज मी, अगर तुम सोच रही हो कि तुम जैसी गवार लड़की और तुम्हारे पति गवार के साथ मैं इस घर में रहूंगी तो तुम गलत समझ रही हो, समझे? जूस मी। जूस मी? दीदी अभी आपने बोला ना मोजो। जूस? एक्सक्यूज मी। हाँ दीदी वही। दीदी मेरे को ठीक कराने के लिए थैंक यू, माई प्रेशर दीदी। प्रेशर? हाँ दीदी। ओ गवार लड़की, माई प्रेशर नहीं होता, माई प्लेजर होता है। दीदी मैं हर बार गलत नहीं होती, मुझे वाकई प्रेशर लगा हुआ है। टॉयलेट कहाँ है? गॉड, देखो वो लेफ्ट में रूम है, उसके पीछे एक कमरा है, वहाँ लेफ्ट में बाथरूम बना है, जाओ वहाँ पे। हाँ इतनी दूर, आउट ऑफ टाउन, आज मन नहीं है, फिर कभी आया तो कर लूंगी दीदी। ओ गुत्थी, अरे हैं अरे, मतलब मुझे वहाँ छोड़ आई, सारे मैं टैक्सी साफ करूंगा, तू इसके साथ में लेवल 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 कर रही मोटी के साथ। तूने क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये है कौन? इतनी भी ड्रामेबाज मत बनो, आपको पता तो है कौन है, पिछले 5 एपिसोड से आपके सारे एक्ट यही तो खराब कर रहे हैं। चल दीदी के पांव पकड़ ले। दीदी रियलिटी शो के लिए बहुत दिक्कत है। छोड़ छोड़ बदतमीज गवार, तुम लोग को पता नहीं है कि किसी ने छोटी स्कर्ट डाली हो तो कैसे पकड़ते हैं? जूस मी। क्या बात है दीदी, हम आपके घर पे 10-15 साल रहने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे बिहेव करो मेरे पति के साथ। 15 साल? 10-15 साल क्यों? इससे कम में तो हमसे होगा भी ना दीदी, काम धंधा करने के लिए आए हैं, काम करेंगे मैं धंधा। दीदी ये सब छोड़ो, मुझे थोड़ी सी ये चाय वही पिलाओ दीदी, थक गई हूं। चाय मैं भी, चाय 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 चाय। चल जा फिर 3 कप चाय बना के ला, चल मैं बनाऊंगा चाय। हाँ एक्ट खराब करने से अच्छा जाके चाय खराब कर, चल। तुम किसी काम के नहीं हो, क्या करोगे शहर में? जूस मी, मैं बहुत अच्छा गाना गा लेती हूँ। तुम पागल हो, घटिया गवार लड़की, कुछ वेस्टर्न आता है? वेस्टर्न? वेस्टर्न में आता तो है दीदी, लेकिन धोने में बड़ी तकलीफ होती है। कमोड़ की बात नहीं कर रही, वेस्टर्न डांस आता है, डांस। दीदी रामबा सांबा सालसा ये तीनों नहीं आते दीदी मेरे को, ब्रेक डांस आता है। चल वही करके बता। Hey, are you ready for break dance? Bug it up. पूरी उठ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाके रेस्ट करो, जाओ। दीदी कहाँ पे रेस्ट करूँ? वो कॉर्नर में कमरा है, वहां जाके सो जाओ। दीदी अकेले में मुझे बहुत डर लगता है दीदी, घर पे कोई नौकर नहीं है जो मेरे साथ सो जाए? कैसे सो सकती हूँ उसके साथ? ऐसे कैसे नहीं सोऊंगी, मैं तो सिर्फ उसके ऊपर ना टांग रख के सो जाऊंगी। छी, नीचे करो सलवार, नीचे करो। क्यों दीदी? कितने गंदे टांग है तुम्हारी, कितने बाल देखो। दीदी मानसून में आ जाते हैं। मानसून क्या करोगी मुंबई आके दीदी?
ये क्या किया तुमने अभी? इस शहर में मुस्कुरा भी नहीं सकते ढंग से, बताओ। ये तो मुस्कुराई थी। हाँ दीदी। तो हंसते कैसे हो? हंस के दिखाऊं दीदी? हाँ। दीदी हंस हंस के मेरा पेट दुख गया, और नहीं हंसा जाता। You're so talented. मेरा फोटो खिंचाने का बड़ा मन कर रहा है। मेरा भी। रानी पहली बार कॉमेडी सर्कस में आई है और पता नहीं दोबारा कब आए। मैम प्लीज एक फोटो। एक मिनट प्लीज। अब अर्चना मैम से फोन लेके हम दोनों बहनों का फोटो खींच दो प्लीज। अबे मोटी, फैमिली मेंबर बाहर है जो मैन आदमी है, तू यहाँ फोटो खींचा। चल जाके चाय बेच तू चल। ये कोई बात है, हम चाय बेचने आए, ऑडिशन कर करके लाए चाय बेचने के लिए। हम भी टैलेंटेड हैं। बहुत टैलेंटेड है मैम। रानी मैम इतने टैलेंटेड है कि 5 एपिसोड में उन्होंने जगह जगह टैलेंट किया है अपना। सिद्धार्थ की तबीयत खराब होने की वजह से आज सुनील ने भारती का साथ दिया है यहाँ पर। तो अर्चना जी कैसा लगा आपको ये? भारती एज ऑलवेज यू आर फैबुलस, सुनील यू आर फैंटास्टिक, सुपर। चलिए पूछते हैं अय्या की मीनाक्षी से कि अय्या फिल्म जितना पागलपन था इस एक्ट में? एब्सोल्युटली था। एक्चुअली सुनील यू वर सो गुड, आई हैव बिकम योर फैन। यू आउटस्टैंडिंग इन द एक्ट, फैंटास्टिक। So here, I really want to compliment Sunil. You are so good. You are so good that I didn't miss Siddharth. Thank you. Spaz, Archana, we'll start with you. This is one extra mark for Sunil, only you. Ooh, nice. Thank you. So here, I'll go for the same. Thank you so much. एक भिकारी भिकारन सुहाग रात के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और क्या क्या सह रहे हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम तेज सरार अजूबा मंत्रा एज भिकारी, पूर्वी एज भिकारिन और हमारा न्यू टैलेंट राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स। सॉरी कट प्लीज, एक्ट शुरू नहीं हुआ अभी। नमस्ते, मैं तो केवल आपको नमस्ते बोलना है। कपड़े मेरे ही हैं, साल भर से ऊपर हो गया कॉमेडी सर्कस में काम करते करते, ये होना तो लाजमी था। बाहर सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही घूमते रहते हैं। सोहेल भाई को भी देखो, वो टी शर्ट के अंदर उनकी भी बनियान फटी हुई है। बहुत मुश्किल से ना पड़ोस वाली चौराहे पर ना एक मेरी आइटम रहती है घमोरी, उसको ना मैं पटाया, आज अपना स्वागत रहते उसके साथ में। आप लोग थोड़ा मेरे को टेंशन मत देना रे, ये घमोरी मैं तैयार है रे। वो आई करके मेरे को भूल गया तू? अरे नहीं रे, मेरी आइटम, मैं उसकी बात नहीं, मैं तो तेरे को रानी बोल रहा था रे। ये सुनना, तू तो जानती मैं तेरे से कितना लव करता है, मैं तेरे से कुछ बोलना चाहता है। बोल। दिल से बोलेगा। बोल। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दी बाबा। सॉरी मैं थोड़ा करियर कॉन्शियस हूँ, बार बार करियर सामने आ जाता है। ए, ए, चलना हाँ। अपन स्वागत बनाते ना यार। रेडी है स्वागत मनाने को? रेडी। चला अभी। ओके रेडी। एकदम वन टू थ्री। ए घनसू। क्या हुआ रे घमोरी? इधर आ। चले, तू तो मेरे को बोला था कि घमोरी डार्लिंग हम स्वागत अब्रॉड में मनाएंगे। अरे नहीं रे घमोरी, तूने गलत सुना, मैंने बोला हम भिकारी हैं, हम स्वागत अब रोड पे मनाएंगे। अच्छा आजा, 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 आजा। मैं बोलता हूँ किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, भीड़ लगती है। आजा 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 आजा।